आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। बेसिकली कार्बोकोटाइन की स्टेबिलिटी की यहाँ पर बात हो रही है। सो जब भी हम कार्बोकोटाइन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, सो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कार्बोकोटाइन जो वो होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। जो अगर वो आपका क्या है, आपका अगर मैं बात करती हूँ फर्स्ट पॉइंट जो होगा आपका क्या है, एरोमेटिसिटी का पार्ट है। जो आपका क्या है, एरोमेटिसिटी का पार्ट है। सेकेंड, वो कार्बोकोटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है जो आपका क्या मेसोमेरिकली मतलब बैक डोनेशन से स्टेबल है। थर्ड वो होता है जो आपका रेजोनेंस से, फोर्थ वो होता है जो हाइपर कॉन्जुगेशन से, एंड फिफ्थ होता है इंडक्टिव से। और ये हमेशा इफेक्ट्स जो होते हैं वो हमेशा हमें इसी ऑर्डर में लगा कर देखने होते हैं। फर्स्ट केस में देखो, देखो एरोमेटिसिटी तो यहाँ पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई भी रिंग सिस्टम नहीं है। सो ये तो हम नहीं लगाएंगे, यहाँ पर मेसोमेरिक से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट केस में आप देख सकते हो कि कार्बोकोटाइन जो ऑक्सीजन अपने लोन पर से इसको स्टेबल कर सकता है, राइट। यहाँ पर सिर्फ इंडक्टिव या हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, सो ऑब्वियसली मेसोमेरिकली ज़्यादा स्टेबल होगा, सो ये तो ट्रू। नेक्स्ट बोला है कि देखो नेक्स्ट कार्बोकोटाइन के CH3 यहाँ लगा हुआ है पॉजिटिव, और सेकेंड है CH2 पॉजिटिव। अब इन दोनों केसेस में क्या हो रहा है कि आपके पास क्या है, देखो यहाँ पर ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा और यहाँ पर कम, इजंट इट। या इसको आप अल्फा हाइड्रोजन्स की फॉर्म में भी देख सकते हो, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन के फॉर्म में भी, कि इसकी फर्स्ट केस में हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू सेकेंड। तो फर्स्ट वाला ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए सेकेंड से, सो ये फॉल्स है। नेक्स्ट बोले देखो, नेक्स्ट में आप देखोगे कि ये कार्बोकोटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, यहाँ पर सिंपली आपका इंडक्टिव हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, सो ये भी आपका क्या ट्रू है। सो फर्स्ट वाला ज़्यादा स्टेबल क्योंकि वो रेजोनेंस है, राइट। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि आपका ये वाला जो कार्बोकोटाइन है ज़्यादा स्टेबल है, ये फॉल्स है। देखो ये कार्बोकोटाइन जो ये एक sp2 कार्बन पर है, और ये भी देखा जाता है कि देखो अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट लग रहा है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट लग रहा है, सो हमेशा कार्बोकोटाइन की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। ये sp3 कार्बन है और एक sp3 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है एज कम्पेयर टू sp2, इसलिए sp2 वाला जो होगा वो लेस स्टेबल होगा, फाइन। सो ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन वन करेक्ट होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।